जय हिंद साथियों, मैं हूँ निम्मे कुकरेती और उत्तराखंड पहाड़ी रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये देखिए, यह है सेम। सेम की फलियां हैं और ये मेरे किचन गार्डन में लगी हुई है। ये देखिए, जो सेम है, सेम की बेल ये पूरी फैली हुई है और बहुत अच्छी इसमें सेम की फलियां लगी हुई हैं। ये देखिए, कितनी सारी सेम लगी हुई है। ये देखिए साथियों, इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है और इसको कई बीमारियों के इलाज में जो है उपयोग में लाया जाता है। तो अभी आप ये देखिए, फिर मैं आपको इसका पूरा उपयोग कैसे करते हैं, कैसे जो है इसकी सब्जी बनती है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, कितनी प्यारी मेरी बेल हो रखी है। और साथियों, ये देखिए, भौरा भी जो है फूलों पे घूम रहा है। और साथियों, एक दूसरी टाइप की बेल होती है जो जिसपे इस तरह के वाइट कलर के फूल लगते हैं, ये देखिए। और ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, सफेद फूल। इस पे जो है ग्रीन कलर की सेम लगती है सफेद वाले पे, और जो पर्पल कलर के जिसमें फूल होते हैं उसमें पर्पल कलर की फलियां लगती हैं। ये देखिए, देखिए, बहुत सारी सेम की फलियां मेरे बेल पे लगी हुई हैं। ये देखिए, देखने में ही जो है बहुत सुंदर लग रहा है। और पीछे से तिमले का पेड़ भी दिख रहा है। और ये देखिए साथियों, मैंने सेम भी तोड़ लिए हैं, सेम की सब्जी बनाऊंगी। और ये देखिए, कितनी सुंदर इसमें सेम हुई हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी जो है सेम, ये देखिए। बेल वाली सब्जी है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये इसके पत्ते हैं, जिसे मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये जो है, ये पर्पल कलर वाला इसका फ्लावर है। इसी तरह से मैंने अभी आपको बेल पे दिखाया था, वाइट कलर का जो फ्लावर है वो दिखाया था मैंने। तो साथियों, इसके कितने सारे फायदे हैं वो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो साथियों, छीमी या सेम जिसे बोलते हैं, उसके अगर मैं फायदे गिनाऊँ तो इतने सारे इसके फायदे हैं कि गिनते गिनते जो है हम थक जाएंगे। जो छीमी है, उत्तराखंड में पहाड़ में जो है इसे छीमी बोलते हैं। सेम को जो मैंने आपको ये दिखाई है, इसे छीमी बोलते हैं। तो जो छीमी है उसके इतने फायदे हैं कि इससे जो है कम से कम 10 से 15 बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसमें जो है इतने जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं। साथियों, इसमें जो है विटामिन बी होता है। ये मैंने धो के रख ली है, इन्हें मैं साथ साथ में काट रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो
तो मैं बता रही थी कि इसमें जो है विटामिन बी होता है, इसमें विटामिन के साथ साथ विटामिन B6 के साथ साथ मैग्नीशियम जैसे जो है पोषक तत्व भी इसमें होते हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं ये दिल की लीवर की बीमारियों को दूर करती हैं, छुटकारा दिलाती हैं और हड्डियों को बहुत फायदेमंद जो है ये बहुत फायदा पहुंचाती हैं हड्डियों को। तो खून साफ करती हैं छेमी, है ना। ये देखिए साथियों, ये जो मैंने आपको व्हाइट फूल दिखाए थे ना, ये उसकी फलियां हैं ग्रीन कलर की, ये वाली। तो खून साफ करता है छीमी। इसमें फाइबर तो बहुत मात्रा में होता है, फाइबर आपको पता है कि जो है कितने फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, सभी जानते हैं। कब्ज होता है, अगर पेट फूल जाता है, गैस की समस्या है, खाना जो है ढंग से पचता नहीं है, ये सब बीमारियां भी जो सेम है वो दूर करती है। एनीमिया का अगर कोई रोगी है तो उसके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि इसमें जो है प्रचुर मात्रा में आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो एनीमिक जो लोग हैं उनको इसका सेवन जो है जरूर करना चाहिए, है ना। तो सबसे गजब का जो इसका फायदा है वह है उन महिलाओं के लिए जिनको पीरियड से संबंधित कोई समस्या होती है। अगर समय पे पीरियड नहीं होते हैं, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, वो सारी चीजें जो है ये बहुत फायदेमंद है छेमी उसके लिए। तो इसके लिए तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल है, बहुत हेल्दी है, पौष्टिक है और स्वादिष्ट भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो है महिला रोगों से संबंधित जो है उसमें बहुत फायदेमंद है। इसके साथ ही जो इसकी ये फलियां होती हैं, ये जो फली है इससे एनर्जी उत्पन्न होती है शरीर में, जबरदस्त एनर्जी का स्रोत है ये। तो ये सभी उम्र के जो लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है, एनर्जी का जबरदस्त ये स्रोत है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो छेमी है, छेमी के जो पत्ते होते हैं, है ना, पत्तों का भी कम फायदा नहीं है साथियों। ये देखिए, ये मैंने आपको पत्ता दिखाया था। अगर किसी को दांत, खाज, खुजली, कोई इस तरह की समस्या है तो हमें इस तरह से पत्ता ले लेना है, इसको हमें इस तरह से करना है और इसको हथेली से इस तरह से मरोड़ लेना है, ये देखिए, और आराम से इसका, और ये देखिए मैं अभी आपको इसका रस दिखाती हूँ। अभी इसका रस मरोड़ के बहुत गाढ़ा सा इसका ये देखिए रस निकलेगा, और ये रस जो है दाग, धब्बे, खाज, खुजली, पिंपल्स, मुहासे, इन सब चीजों पे आप ये जो है इसको लगा सकते हैं। पिंपल्स के लिए, और मुहासों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अगर नाक में किसी के मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इस तरह से हम रस निकालेंगे और इसको लगा लेंगे, पूरे फेस पे भी लगा लेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो पत्ते का रस निकालना मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम पत्ते का रस निकालेंगे। इसके साथ ही अगर कीड़ा मकोड़ा कोई काट ले, खासकर कई जगह ऐसा होता है कि बिच्छू बहुत ज्यादा होते हैं, तो अचानक हमें कोई दवाई नहीं सूझ रही है, कोई उपचार नहीं हो पा रहा है, उपचार भी हमें देना है, लेकिन तब तक हम तुरंत उस पे जो है ये जो छेमी है इसके पत्ते का हम रस लगा देंगे तो जरूर जो है ये फायदा देगा। बच्चों को अगर बुखार हो जाता है तो अचानक जो है हमें क्या करना है, जो बच्चों के पैरों के तलवे में जो
छीमी के पत्ते हैं उसका रस निकाल के अगर हम लगाएंगे तो वो जो है एकदम फायदा पहुंचाता है और तुरंत उससे जो है बुखार उतर जाता है। इसी तरह से अगर बड़ों को कोई बड़ा कोई है उसको बुखार की दिक्कत हो रही है तो जो है वो पत्ते का रस वो भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं या पत्ते को हम चबा भी सकते हैं और पैरों के तलवे में भी लगा सकते हैं। तो साथियों देखा आपने कितने सारे फायदे हैं, और यही नहीं इसके बीजों के भी बहुत सारे फायदे हैं। बीज को भून के खाएंगे तो इसमें जो है एनर्जी का स्रोत है और जो है बुखार में भी, ये बुखार में खांसी जुकाम में और गले में अगर दर्द हो रहा है तो हमें इसके बीज को भून के खाना चाहिए। तो साथियों देखिए कितने फायदेमंद जो है छीमी होती है, तो आप जो है जरूर इसको अपनाइए और खाइए और रोगों से मुक्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपको बहुत सारी जानकारी वाले वीडियो शेयर करती रहूँगी और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो के साथ हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।